औरंगाबाद शहर से करीब वाक्य फुलंबरी गांव के पास एक छोटी सी बस्ती है जिसका नाम मली है। ये खेत खलियानों में आबाद एक खूबसूरत प्यारी सी बस्ती है। बकोल सिकंदर अली वही जहां नगमे जन्म लेते हैं रंगीनी बरसती है। ये दक्खन की गोद में आबाद एक ख्वाबों की बस्ती है। यहां से सलमान उमर पटेल ने UPSC इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की और पूरे मुल्क में 339वां रैंक हासिल किया और इसी के साथ सलमान पटेल के घर मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया। सलमान पटेल की पैदाइश इसी गांव में हुई। सलमान पटेल के वालिद गाड़ी चलाने का काम करते हैं। इनकी वालिदा अपने ही खेतों में काम करती है। कहा जाता है कि पूरे जिले में इस इलाके से पुदीना भेजा जाता है। जब सलमान को अपनी कामयाबी का पता चला तब वो अपनी वालिदा के साथ खेत में पुदीना काट रहे थे। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद शहर औरंगाबाद से कौमी मुसाबकती इम्तिहान में कामयाब होने वाले सलमान उमर पटेल और नू सिद्दीकी पहले मुस्लिम उम्मीदवार हैं। सलमान की इब्तदाई तालीम फुलंबरी जिला परिषद उर्दू स्कूल से हुई। आला तालीम मौलाना आजाद कैंपस औरंगाबाद से। इसके बाद कामयाबी की तलाश में सलमान ने पूना, मुंबई हज हाउस, ज़कात फाउंडेशन दिल्ली, जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली तक का सफर तय किया। आप सिविल सर्विसेज इम्तिहान में 3 मरतबा फेल होने के बाद बिलाखिर 4थी मरतबा कामयाब हुए। सलमान की कामयाबी से वालिदैन और दिगर रिश्तेदार बहुत खुश हैं। सलमान पटेल के घर को तलाश करने में हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि इनका घर फुलंबरी गांव से दूर जंगल की तरफ था जहां जाने के लिए सही रास्ता है ना पक्की सड़क का कोई इंतज़ाम है। बताया जाता है कि बारिश के दिनों में वो रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। हमारी मुलाकात सलमान पटेल के पुराने दोस्तों से हुई जो मुंबई से तशरीफ लाए थे। उन्होंने कहा कि जी मेरा नाम नफीस खान है, मैं मुंबई में रहता हूँ। मैं हमारा दोस्त सलमान जो था हमारे साथ जो प्रिपरेशन करता था उससे मिलने के लिए आया, उसको मुबारकबाद देने के लिए। आपको जब ये पता चला कि आपके दोस्त सलमान साहब इस इम्तिहान में पास हो गए तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुंबई काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन आपने वो 3 इडियट का वो सीन देखा होगा कि जब दोस्त अगर फेल हो जाता है तो दुख होता है और जब दोस्त पास में जाता है तो खुशी के साथ दुख भी ज़्यादा होता है कि हम भी कर सकते थे, और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि इंशाल्लाह जब एक तरह के जब हमारा दोस्त जो बिल्कुल हमारे जैसा था, हमारे जैसा बैकग्राउंड का था, अगर वो कर सकता है तो इंशाल्लाह मैं और ये जो वीडियो देख रहे हैं वो सभी कर सकते हैं। आपने भी इसकी तैयारी की थी इस एग्जाम की? जी साथ में हम लोग तैयारी करते थे। फिर आपने कोशिश की? कोशिश चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जैसे ही सलमान ने बताया कि सपोर्ट रहता है और मोरल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो कभी कभी किसी की दूसरी प्रायोरिटीज़ भी आ जाती हैं जो एक टाइम पे पूरी करनी चाहिए उनकी जिम्मेदारियाँ, तो जैसे ही वो जिम्मेदारियाँ मिलती हैं तो हमें उन पर ही फोकस करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, खान अब्बास अहमद। आप कहाँ से हैं? मुंबई सेंटा क्रूज़। सेंटा क्रूज़ से आप? जी। आप भी सलमान भाई के साथ पढ़ते थे? जी बिल्कुल, हम दोनों ने शुरुआत एक ही साथ की थी पूना में, और पूना में सिनर्जी नारायण पेट। अच्छा, आपको जब पता चला कि आपके दोस्त जो है पास हो गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लगा जैसे कि हम खुद ही पास हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मैं मेरा भाई खुद पास हुआ है। नहीं, वो तो इंसानी वो है, हर किसी को लगता है कि मैं भी कोशिश किया होता तो मैं भी पास हो गया होता, मगर हमारी कोशिशों में कुछ कमी रह गई होगी या सही अप्रोच नहीं था, इसलिए शायद अल्लाह ने अब तक हमको उस चीज़ के लिए नहीं बनाया तो फिर हम उसको अफसोस भी नहीं करना चाहिए जब अल्लाह ताला चाहेंगे। जी मैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जी बिल्कुल, मैं दे रहा ये चाहूँगा पैगाम कि ग्रेजुएशन के वक्त से ही अगर, क्योंकि इसमें हमको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, उम्र भी लिहाज मतलब 32 एज है, तो हमको ये नहीं सोचना कि हमको 6 अटेम्प्ट देने, हमको पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर करना है, और अगर किसी बच्चे को सही में अगर उसको पास होना है तो उसे ग्रेजुएशन के वक्त से ही उस चीज़ में लग जानी है। ऐसा नहीं कि हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर हमें तैयारी शुरू करनी होगी या जैसा भी है, क्योंकि ये एक अप्रोच बिल्डअप होता है, UPSC का एकदम अलग अप्रोच होता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल करियर सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद आप UPSC की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो वो ऐसा हो जाता है कि 2 कश्तियों में आप सवार हो रहे हैं जिसमें एक में भी पास होना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर और अगर कोई आर्ट्स सब्जेक्ट लेकर जिसे UPSC करना है, सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, तो आई वुड प्रेफर कि वो बन जा
आर्ट्स का सब्जेक्ट ले, उसमें सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ऐसे कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं उसकी अगर ग्रेजुएशन के वक्त से ही तैयारी शुरू कर दे तो उसे बहुत एक बेनिफिट मिलेगी यूपीएससी की तैयारी के वक्त। मेरा नाम तबरेज खान है, मैं औरंगाबाद से ही बिलोंग करता हूँ और सलमान भाई के साथ में ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। इनिशियली हम लोगों ने जो हमारा प्रिपरेशन है, हम दोनों ने साथ में यूपीएससी क्या है ये हमको साथ में पता चला। काविश फाउंडेशन के थ्रू हम लोग जब ज्वाइन हुए थे, वी वर नॉट अवेयर व्हाट इज़ यूपीएससी। फिर स्टार्टिंग में जब हमने प्रिपरेशन किया, उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल किया, एक्चुअली वी वर सर्चिंग फॉर अ स्कॉलरशिप। फिर उसके बाद पूना का हमको एक रूट मिला, स्टील ट्रेन फाउंडेशन के थ्रू हम लोग वहाँ पहुँचे। बट ओवरऑल जो भी एक जर्नी थी, मैं ही वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड एंड ही स्टिल अ क्लोज फ्रेंड, बट इट इज़ अ डिफरेंट फीलिंग दैट वन ऑफ योर क्लोज फ्रेंड इज़ ज्वाइनिंग द ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ आर कंट्री, द हाइएस्ट पेड सिस्टम ऑफ आर कंट्री। सो बेसिकली अपने दिल में जो भी हो, जैसा भी हो, एक वो फीलिंग जब अचीव हो जाती है कि भाई पास हुआ है, ठीक है तुम भी पास होगा, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट मेन चीज़ ये होती है कि ही इज़ अ पॉजिटिव रोल मॉडल राइट नाउ। नेगेटिविटी ये होती है कि मैंने 4 अटैम्प्ट दिए हैं खुद ने, बट आई नो व्हाट आर द डिस्ट्रैक्शंस। अगर तुमको पास होना है, यूपीएससी क्रैक करना है, सो यू हैव टू बी अवेयर, मतलब टोटली डिस्ट्रैक्शन से ये नहीं होना है। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे तुम अगर तुमको कोई टेक्निकल चीज़ में इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, घर वालों ने बोल दिया यूपीएससी करना है सो तुम यूपीएससी कर रहे हो, इट इज़ नॉट अ बिग डील। तुम सिर्फ करने को करोगे, दिल से अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी। जो भी करना है, अगर तुमको अचीव करना है, देन मेक योर सेल्फ दैट हाँ मुझे ये गोल अचीव करना है लाइफ में, और दिल से करना है। अगर तुमने खुद ने अगर डिसाइड कर लिया सो यू कैन गो इन। डिस्ट्रैक्शन बहुत होते हैं, हम लोग पुणे में रहे हैं साथ में, एंड पुणे का ऐसा एटमॉस्फियर है कि ईच एंड एवरी पर्सन कोई भी जब वहाँ पे वो सिटी के ग्रीनरी में बह जाता है, इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, वहाँ का क्राउड इतना, यंगस्टर्स का क्राउड इतना अजीब है, सो यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। ठीक है, चाहे दिल्ली जाओ, पुणे जाओ, बेंगलोर जाओ, मेट्रोज में कहीं पे भी जाओ, यू हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। एक ही मैसेज रहेगा, स्टे अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस, अपने फोकस करो गोल पे, और इंशाल्लाह आप सबको, मतलब जो भी अटेम्प्ट देगा उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिस वक्त हम सलमान पटेल के घर पहुँचे, वहाँ उनके वालिद नहीं थे। इत्तेफाक से रास्ते में हमारी मुलाकात उनके वालिद और दिगर रिश्तेदारों से हुई। उन्होंने हमें बताया कि वालेकुम नाजरीन, आप जानते हैं सलमान पटेल जिन्होंने पिछले दिनों यूपीएससी इम्तिहान क्रैक किया है, आज उनके वालिद साहब हमारे साथ है। कैसा महसूस करते हैं आज आप अपने बेटे की कामयाबी पर? बहुत खुशी महसूस हुई जब हमने उसका रिजल्ट आया, तो मैं तो, मुझे उन्हें किया कहा कि अब्बा जुमे का रोज़ था, हम नमाज़ पढ़ के आए, बोले बोला अब तुम आज पुदीना काटने मत जाओ, मैं मिल जाएंगे। तो वो दोनों पुदीना काटने गए, रिजल्ट आ गया तो फिर रोने को लगाओ, उसकी अम्मी वो आए, फिर बहुत बहुत सब हमारे रिश्तेदार दोस्त है, रात भर चला माहौल, हम रात तक 4 बज गए, इतने खुश हुए हम कि हम बता नहीं सकते। अभी हम सलमान सर का से बात ही कर रहे थे और देख रहे थे कि बड़ी मासूमियत उनके बाद में, बहुत मासूमियत से बात कर रहे थे, बहुत ईमानदार है, ऑनेस्ट है। एक हम उम्मीद तो करते हैं कि वो एक बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर रहे, लेकिन वो एक बेटे के हिस्से से कैसे है? वो तो बहुत अच्छा लड़का है, वो यूपीएससी में हमें भी कोई परेशान नहीं करा, हाँ हमें कोई परेशानी नहीं लाया उन्हें। हालांकि हमारे जो खाते के पैसे रहते थे उसके पास ही ये करता था, पर वो 2-3 हज़ार में काम चला लेता था। बहुत ज़्यादा, यानी उन्होंने स्ट्रगल भी किए, मेहनत भी की, लेकिन आपको इसका एहसास भी नहीं होने दिया। ये बहुत फख्र की बात होती है एक माँ बाप के लिए कि उनका बच्चा ये, सबसे पहले हम तो आपको ये मुबारकबाद देते हैं इसके लिए कि आपका फुलंबरी पर औरंगाबाद ज़िले में पहला एक ऐसा देहात हो गया जहाँ से कोई मुस्लिम कैंडिडेट औरंगाबाद ज़िले से यूपीएससी क्रैक किया है। सलमान सर के मामू जान अभी हमारे साथ में है, हम जानना चाहते हैं आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और पूरे गाँव को उसका फख्र है, और बच्चा पहले से मेहनती था, वो उसके गुणों से समझ में आता था कि ये कुछ ना कुछ काम करेंगे आगे, ऐसा बोलते नहीं था। हमारे को 6 महीने तक मालूम नहीं था ये बड़ी परीक्षा दे रहा, लेकिन हमको कुछ मालूम नहीं था कि वो यूपीएससी है कि एमपीएससी है। फिर हमने उसमें फ़र्क जाना कि एमपीएससी क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है, बाद में मालूम पड़ा। तो बहुत सारा उसने ऐसा बताया नहीं, और फिर भी जरा बहुत काट कसर करके ऐसा महसूस नहीं होती है कि भाई जैसा मैं इतनी बड़ी परीक्षा दे रहा ये कर रहा और पास हो रहा है कि फेल हो रहा बोल के, तो बस ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगा, और पूरे गांव खुश हुआ, सारे महिला खुश हुआ,
सब ये नाना नानी मामू पूरे सब खुश हुए और बहुत अच्छा है लड़का। सलमान पटेल के खालू भी हमारे साथ में मौजूद है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सलमान पटेल ने इतना बड़ा एक इम्तहान क्रैक किया है जो ऑल इंडिया का सबसे नुमाया इम्तहान है। हमारी तो बहुत अच्छा लगा और पूरे रिश्तेदारों को भी अच्छा लगा और हम फख्र है उसका। हमको भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि इतने बड़े पोस्ट पे हमारा बच्चा जाएगा। रोजनामा उर्दू एशिया एक्सप्रेस का यूपीएससी कामयाब उम्मीदवारों से लाइव इंटरव्यू का इनेकाद मौलाना आजाद रिसर्च सेंटर में किया गया। प्रोग्राम के आखिर में नू सिद्दीकी और सलमान पटेल को एशिया एक्सप्रेस की जानिब से फूल और ट्रॉफी देकर एजाज दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया।